योगेश्वरी साहू. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक SCPIS मॉडल. ठीक है, ये हमारा सब्जेक्ट MIS का है, आपका B6 सेमेस्टर्स. ठीक है, CSE का. तो CBIS मॉडल में हम क्या, CBIS हम लोग क्या किए पहले, पिछले क्लास में हम लोग CBIS के बारे में पढ़े थे. CBIS क्या है आपका, कंट्रोल बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, कंट्रोल बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम के बारे में हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं हम. तो अब क्या पढ़ रहे हैं उसके बारे में, हम उसके मॉडल के बारे में. ठीक है, इस मॉडल में हम लोग देख रहे हैं कि कौन सा हमको जैसे टास्क आ रहा है. ठीक है, हमारे पास बहुत सारा जो प्रोग्राम्स है, टास्क है, वो आ रहा है. हमारे पास जो प्रॉब्लम आ रहा है उसको सॉल्व कैसे कर रहे हैं. ठीक है, हम लोग वो CBIS मॉडल के थ्रू समझ रहे हैं. ठीक है, तो CBIS मॉडल में हमारे पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि हमारे पास CBIS जो टास्क परफॉर्म करने के लिए क्या रहता है, एप्लीकेशन रहते हैं. एप्लीकेशन जो इसको फॉलो करते हैं, अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, अपन नॉलेज बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, इसके बारे में भी हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था. ठीक, तो फिर क्या आता है, जैसे कि हमारे पास कोई प्रॉब्लम आया. ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड है, तो कंप्यूटर बेस्ड में आपका जो टास्क परफॉर्म कर रहा है, टास्क परफॉर्म करते करते आपके पास कोई प्रॉब्लम आया टास्क, तो वो हमको कैसे सॉल्व कर रहे हैं. ठीक है, तो जैसे हमारे पास प्रॉब्लम आया है. ठीक है, प्रॉब्लम आया, हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले डिस्कस करेंगे. ठीक है, डिस्कस करेंगे, किससे डिस्कस करेंगे, आपके पास जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है वहां से हम लोग क्या करेंगे, सारे उसमें से डिस्कस करेंगे. ठीक है, क्या आएगा आपका अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में क्या आता है आपका, जो आपका बैंकिंग से रिलेटेड है, हमारा जो भी कंपनी जो बिजनेस कर रहे हैं. ठीक है, बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें क्या आता है, अकाउंटिंग का अपना क्या आता है, अलग पार्ट रहता है. तो वहां से हम वो देखेंगे कि किस टाइप का प्रॉब्लम आया है. ठीक है, जिस टाइप का प्रॉब्लम आया है उस बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, वहां पे सॉल्यूशन निकालेंगे उसका. तो पहले हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे कि प्रॉब्लम किसके बेसिस पे आया है. ठीक है, प्रॉब्लम किस टाइप का प्रॉब्लम है, उसके थ्रू हम लोग क्या करें, जैसे हमको प्रॉब्लम पता चला उसके बेसिस पे हम लोग क्या करेंगे, सबसे इन्फॉर्मेशन लेंगे, डिसीजन लेंगे कि कैसा प्रॉब्लम आया है. अगर अकाउंटिंग में आपका प्रॉब्लम आया है, ठीक है, अकाउंटिंग में आपका प्रॉब्लम आया है, तो हम लोग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम में जाएंगे, जाके वहां पे हम लोग क्या करेंगे, पूरा अपना डिटेल उसका क्या करेंगे, रेट करेंगे कि कैसा प्रॉब्लम है. ठीक है, अब उसका इन्फॉर्मेशन हम कहाँ देंगे, जो डिसीजन मेकर है. ठीक है, डिसीजन मेकर का हम क्या रहेगा यहाँ पे. ठीक है, प्रॉब्लम आया है हमारा, कौन सा प्रॉब्लम है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन सिस्टम प्रॉब्लम है या मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आया है, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में, या किसी भी टाइप का आपका जो भी है. ठीक है, आपका वो डिसीजन क्या करेगा, वहां से डिसीजन लेने का काम करेगा. ठीक है, डिसीजन मेकर यहाँ पे आपका रहेगा, वो क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग का काम करेगा. ठीक है, आपका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम, हमने बताया था कि मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम क्या होता है, जो आपका कंप्यूटर से रिलेटेड आपका जो बिजनेस है. ठीक है, MIS क्या है, आपका पूरे बिजनेस पे डिपेंडेड है ना, बिजनेस से पूरे रिलेटेड है. तो बिजनेस में क्या रहता है आपका, जो इन्फॉर्मेशन आता है, ठीक है, उसको क्या करते हैं हम लोग सिस्टम में मैनेज करके रखते हैं. सिस्टम में जो मैनेज करके रख रहे हैं वो क्या क्या आपका मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम. ठीक है, तो वहां से कोई प्रॉब्लम आया तो उनको सॉल्व करने के लिए कहाँ करेंगे, हम पहले वहां से इन्फॉर्मेशन ले लेंगे, अब क्या करेंगे, डिसीजन मेकर को हम लोग वो सॉल्व देंगे. वहां से क्या करेगा, डिसीजन मेकिंग का काम करेगा. ठीक है, फिर जैसे डिसीजन सपोर्ट सिस्टम क्या करता है, एक डिसीजन मेकिंग का काम करता है. ठीक है, कोई भी हमको ये टास्क दिए हैं, हम उसमें परफॉर्मेंस दे रहे हैं. ठीक है, तो हमारा कहीं पे कुछ काम आया, कुछ रुक गया, हमको आगे समझ में नहीं आ रहा है हमको क्या करना है. ठीक है, वर्कर्स के साथ हमको क्या बिहेव करना है, कैसे टाइप का आपका ये रहेगा, हम कैसे डील करें उस प्रॉब्लम को, उस टास्क को. तो ठीक है, तो वो डिसीजन मेकिंग क्या करता है आपका, डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, वो डिसीजन मेकिंग में हमारा क्या करता है, सपोर्ट करता है. ठीक है, अब बात है क्या वर्चुअल ऑफिस का. वर्चुअल ऑफिस क्या करता है आपका, वर्चुअल ऑफिस मतलब जैसे आपका जैसे ऑनलाइन बिजनेस होता है. ठीक है, आपका ई कॉमर्स बिजनेस रहता है, वो सब क्या रहता है, वर्चुअल ऑफिस आपका क्रिएट रहता है. ठीक है, वेबसाइट्स का रहता है, जैसे वेब डिजाइनिंग में आपका रहता है, वेबसाइट का आपका बहुत सारा वर्चुअल ऑफिस रहता है, उन लोगों का प्रॉपर एक ऑफिस नहीं रहता है. ठीक है, वो भी क्या है, एक बिजनेस है, बिजनेस है. तो जो वर्चुअल ऑफिस है उसमें क्या होगा आपका, ऑनलाइन आपको क्या होगा, सॉल्यूशन मिलेगा. ठीक है, ऑनलाइन आपका जो भी सॉल्यूशन और प्रॉब्लम दोनों रहेगा. आपको प्रॉब्लम आया तो क्या करेगा, वो जो वहाँ ऑफिस है वहीं से आपको क्या करेगा, इन्फॉर्मेशन भेजेगा, वहां से डिसीजन मेकिंग का काम यहाँ पे होगा. ठीक है, डिसीजन मेकर्स रहेंगे, वो क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग का काम करेंगे, फिर वहां से आपको क्या करेंगे,
सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, किस बेसिस पे, कंप्यूटर के बेसिस पे ही रहेगा जितना भी आपका जो भी यहाँ पे परफॉर्मेंस होते रहेगा वो सब किसके बेसिस पे रहेगा आपका, कंप्यूटर बेसिस पे, ठीक है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं अभी, कंप्यूटर कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक है। तो इसमें जो हम लोग देख रहे हैं आपका जो कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसमें आपका क्या है, कैटेगरीज, ठीक है, कैटेगरीज बहुत सारे से कैटेगरीज हैं जिसके बेसिस पे हम लोग क्या करते हैं उसको और अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे कि मैं बता रही हूँ अभी, स्टेक का क्या रहता है आपका सीबीआई इस मॉडल को समझने का एक ये और तरीका है, ठीक है। इसमें क्या रहता है आपका, एक कंप्यूटर यूजर है, ठीक है, कंप्यूटर यूजर है, एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर यूजर कैसे यूज करता है कंप्यूटर, ठीक है। कंप्यूटर में क्या क्या है, किस किस टाइप के यूजर होते हैं आपका, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है, सिस्टम एनालिस्ट है, ठीक है, नेटवर्क स्पेशलिस्ट, अलग अलग उनका क्या होता है वर्क रहता है। जैसे कि डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स, ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या करता है, जितना भी आपका वर्क हो रहा है, ठीक है, वर्क हो रहा है उसको क्या करेगा, वो अपने एक डेटाबेस तैयार करेगा, उस डेटाबेस तैयार करने में क्या करेगा, डेटाबेस में आपका पूरा रिकॉर्ड रखेगा, ठीक है, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे आपका जो भी वर्क है, जो भी यूजर उसमें वर्क कर रहा है, ठीक है, उसका जो बिजनेस होगा या जो भी काम होगा उसके इससे रिलेटेड क्या करेगा, वो डेटाबेस तैयार करेगा। वो डेटाबेस क्या है, उसके पास एक रिकॉर्ड है ना, कि हमारे पास जो भी बिजनेस है, चलो बिजनेस से रिलेटेड है, तो उसमें क्या है, कितने वर्कर्स है, एम्प्लॉइज का अलग टेबल के फॉर्म में क्या करेगा, वो एक डेटाबेस तैयार करके रखेगा, ठीक है। सिस्टम एनालिस्ट, सिस्टम एनालिस्ट में क्या है आपका, प्रोग्रामर, ठीक है, प्रोग्रामर क्या करेगा, ऑपरेट करेगा, प्रोग्राम तैयार करेगा, ठीक है, एप्लीकेशन तैयार करेगा अच्छे बेसिस पे, ठीक है, किस बेसिस पे, उसके बिजनेस से रिलेटेड, ऑनलाइन बिजनेस है, ऑफलाइन बिजनेस है, उसके बेसिस पे क्या रहेगा, वो प्रोग्रामर क्या करेगा, जितना भी उसको टास्क मिला है उस सबको क्या करेगा, परफॉर्म करेगा, ठीक है। ऑपरेटर्स, ठीक है, ऑपरेट जो कर रहे हैं यूजर्स वो, ठीक है, किसमें, कंप्यूटर में। आपका आता है नेटवर्क स्पेशलिस्ट, ठीक है, बिना आपका नेटवर्क के आपका क्या सिस्टम चलेगा क्या, नहीं। आपको ऑनलाइन अगर बिजनेस कर रहे हैं या ऑफलाइन जो भी है, आपको डेटा लेने के लिए, डेटा सेव करनी है, जो भी रहेगा वो आपका नेटवर्क के बेसिस पे रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड आपका काम हो रहा है तो आपको आपका जो है नेटवर्क बहुत जरूरी है, ठीक है। तो नेटवर्क स्पेशलिस्ट अलग रहेगा, आपका सिस्टम सिस्टम को यूज कर रहा है, प्रोग्रामर है, ऑपरेटर है, ठीक है, वो सब क्या करेगा, वर्क करेगा, किसमें, कंप्यूटर बेस्ड इन्फॉर्मेशन सिस्टम में, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने का, इन्फॉर्मेशन को क्या करने का, मैनेज करने का अलग अलग तरीके से, ठीक है। ये नेटवर्क स्पेशलिस्ट क्या करेगा, आपको नेटवर्क को मैनेज करने का काम करेगा, ठीक है। सिस्टम एनालिस्ट क्या करेगा, आपका जो प्रोग्राम है, आपका जो भी एप्लीकेशन तैयार हो रहा है या आपको जो भी टास्क जो है परफॉर्म करना है ना, उसका क्या करेगा, वो रिकॉर्ड रखेगा, किस बेसिस पे उसका क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम से क्या करेगा, प्रायोरिटी के बेसिस पे आपका जो भी टास्क है उसको परफॉर्म करने का काम करेगा, उसका एक रिकॉर्ड रखेगा,
कि किस प्रोग्राम का किस टास्क को क्या है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, तो सबसे पहले ये टास्क हम परफॉर्म करेंगे, उसके बाद ये, ठीक है। वो सिस्टम एनालिस्ट का काम है, डेटा एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या है, वो जितना भी डेटा पहले जो सेव हो चुका है वो सबको क्या करके रखेगा, वो डेटाबेस में उसको आपका रिकॉर्ड बना के रखेगा, ठीक है। डेटाबेस में उस सारे डेटा को क्या करेगा, कलेक्ट करके रखेगा, ठीक है। तो समझ में आया ये आपका जो क्या है, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम, ठीक। फिर आता है आपका जो इसमें बेनिफिट्स है, ठीक है। आपका जो बेनिफिट है वो क्या क्या बेनिफिट्स है आपके, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में आपका क्या है, टाइम शेयरिंग का, ठीक है। आप टाइम शेयर कर सकते हैं इसमें, इधर आपका अलग काम चल रहा है कंप्यूटर बेस में, ठीक है। आपका आप एक साथ क्या है, मल्टीटास्किंग परफॉर्म कर रहे हैं, आपका डेटाबेस का अलग चल रहा है, नेटवर्क का अलग चल रहा है, ठीक है। इसमें आपका क्या है, टाइम आप बांट के रहे हो, आपका क्या है काम कर सकते हैं कि थोड़ा आपका क्या है डेटाबेस का काम चल रहा है तो डेटाबेस में आप थोड़ा देर के लिए वर्क कर रहे हो, ठीक है। और आपका फिर क्या है, नेटवर्क का, तो अगर आपका नेटवर्क आपका पहले से ही सेटअप रहता है, पहले से आप सेट करें, सिस्टम एनालिस्ट क्या करेगा, आपका शेड्यूल तैयार करेगा कि कौन सा टास्क आपको परफॉर्म करना है ना। तो इस टाइप का आपका क्या होगा, वर्क होगा किसमें, कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम में, ठीक है। फिर क्या आता है आपका, कॉस्ट सेविंग, ठीक है। आपका जो कॉस्ट भी है वो क्या होगा, बच जाएगा इसमें, इसमें, ठीक है। उसमें क्या रहता है आपका, जो ऐसे ही कंप्यूटर बेस्ड नहीं रहता है, उसमें आपका पेपर वर्क है ना, आपका जो टाइमिंग वो लिखने का बहुत सारा, आपका लिखने का हैंड रिटन, आपको फाइल्स तैयार करने पड़ते हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स के लिए आपको लिखना पड़ता है ना। तो वो क्या है, एक इंसान कंटिन्यू उस काम को नहीं कर सकता है ना। तो क्या रहता है, जैसे कंप्यूटर में हम कोई काम कर रहे हैं तो वो हम क्या करें, उसको रख रहे हैं कैसे, आप कंप्यूटर में क्या है, पहले से ही क्या बताया, प्रीडिफाइंड वर्ड भी रहते हैं, कीवर्ड रहते हैं, जो आपको क्या है लिखते लिखते आपको क्या हो जाता है, इजीली वे में आप क्या कर सकते हैं उसको, अपने जो रहता है डेटा को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, अपने हिसाब से ऊपर डॉक्यूमेंटेशन वगैरह कर सकते हैं। और जैसे आपका हैंड रिटन रहता है, आपको वो क्या रहता है, टाइम लेता है ना, तो इसमें क्या रहता है, टाइम भी बचता है ना कंप्यूटर में काम करने से आपका। फिर क्या रहता है आपका, जैसे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें जो टेक्नोलॉजी है, बहुत सारा एप्लीकेशंस वगैरह है, ठीक है, तो वो सब चीज भी क्या होता है आपका, बचता है, ठीक है। टेक्नोलॉजी आपका नया नया टेक्नोलॉजी आते जाता है, उसमें आपका नया नया एप्लीकेशंस रहता है, उसके बेसिस पे आप काम करोगे, आपका जो बिजनेस है उससे रिलेटेड आपका टाइम भी सेव होगा, ठीक है। कॉस्ट भी उसमें क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जो आपका पेपर का है या कुछ अदर जो भी वर्क है उसका आपका जो है कॉस्ट जो है बच जाएगा, ठीक है, कॉस्ट बच जाएगा, कॉस्ट। और फिर क्या आता है आपका, और आपका ये इफेक्टिवनेस है, ठीक है। फिर क्या आता है, अकाउंटिंग स्टाफ डेवलपमेंट, आपका जो अकाउंटिंग का स्टाफ डेवलपमेंट है वो भी क्या होगा, बहुत अच्छे से क्या होगा, वर्क होगा, उनका क्या है पार्टीशन रहेगा ना, आपका जो काम होगा वो क्या है पार्टीशन में आपका होते रहेगा, ठीक है। फिर जैसे कि आप देख रहे हैं कि उसका जो बेनिफिट मिल रहा है, तो वैसे भी उसका क्या होगा, चैलेंजेस भी है, चैलेंजेस भी रहेंगे, ठीक है। उनका जो जैसे प्रॉफिट होता है वैसे ही तो क्या होगा, उसका लॉस भी होगा, चैलेंजेस बहुत सारे चैलेंजेस हैं, क्या क्या है आपके, जैसे लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर्स है ना, आपका लैक ऑफ CBIS मैनेजमेंट ट्रेनिंग, ठीक है। पहले आप जो भी कंप्यूटर तो सबको आता है, ऐसे जरूरी नहीं है ना, जो भी वर्कर्स आएंगे तो उसको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको उसको कंप्यूटर के बारे में पूरा ट्रेनिंग देना पड़ेगा, है ना, कि जो भी टेक्नोलॉजी है वो उसको पता नहीं है यूज करने का, कैसा काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, तो क्या होगा, उसको पहले ट्रेनिंग देना पड़ेगा कि अब आपको ऐसे काम कर रहा है, ठीक है। तो उसमें भी क्या रहेगा, आपको थोड़ा सा चैलेंजेस है कि वो सीख पाएगा कि नहीं सीख पा रहा है, तो ठीक है ना, उसका आधा टाइम तो उसमें चला जाएगा कि वो ट्रेनिंग दे रहा है लिखने का, जो भी कोड यूज करने का, कंप्यूटर को यूज करने का, है ना। वैसे इजी है कंप्यूटर यूज करना, लेकिन क्या है, कई लोगों को आता नहीं है, तो इस वजह से क्या होता है, हमको उसको सिखाने में या क्या होता है, टाइम अपना क्या थोड़ा वेस्ट हो जाता है उस चीज में, ठीक है। तो वो हमको ट्रेनिंग वगैरह देना पड़ेगा उसको। फिर क्या आता है आपका, लैक ऑफ CBIS स्टैंडर्ड्स। फिर आपका आता है लैक ऑफ स्किल टेक्नोलॉजी, ठीक है। कई लोगों को बहुत सारी ऐसे टेक्नोलॉजी आई है उसके बारे में नॉलेज नहीं रहता है, तो क्या आता है उसके बारे में आपको क्या करना पड़ता है, बताना पड़ता है एक बिजनेसमैन को, जो कंप्यूटर बेस्ड आपका क्या है वर्क कर रहा है, उसको सारी टेक्नोलॉजी आनी चाहिए, उसको
सारा जो टेक्नोलॉजी आपका जो चलते रहता है कंप्यूटर बेस्ड, उसको क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए, है ना। तो इस टाइप का आपका क्या होता है, CBIS मॉडल रहता है। CBIS का आपको समझने के लिए ये इस टाइप का आपको वर्क करना रहता है, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइस, आज का क्लास यहीं तक था।